पाकिस्तानी पहलवानों से कुश्ती लड़ने भारतीय पहलवान 15 जुलाई को लाहौर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय सूरमाओं से कौन लड़ेगा ये फैसला होना अभी बाकी है। रुस्तमे पाकिस्तान, उस्मान बिलू, बशीर भोला भाला और हामिद मुल्तानी ने तो लाल झंडी दिखा दी है। जो इतने इतने टाइटल वगैरह लेकर घरों में बैठ गए हुए हैं, इनको बाहर निकालें। मैं तो देखें रابطہ ही कर सकता हूं ना, मैं उनको ऑफर दे सकता हूं, मैं उनको उठा के तो नहीं लेके आ सकता। पहलवानों की सुने तो वो भी अपना रोना रोते हैं। उसमें पाकिस्तान कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर ने भारतीय पहलवानों को तो 3 माह पहले ही मुंतखिब कर लिया था, लेकिन इन्हें चंद रोज पहले ही कुश्ती का बताया गया और बगैर तैयारी वो लंगोट कसकर अखाड़े में नहीं उतर सकते। इनको पाकिस्तान की इज्जत का कोई सरोकार नहीं है, कोई फिट है नहीं है, कोई ट्रेनिंग में है नहीं है। बस जब इनको कंफर्म हुआ कि अब पक्का है इंडियन की टीम आ जाएगी, तो अब इन्होंने ये देखें आज 10 तारीख है या 9 तारीख है, तो 14-15 तारीख को टूर्नामेंट है, तो अब ये इन्होंने पहलवानों से रابطہ अभी तक रابطہ नहीं किया। पिछले साल भी पाक भारत दंगल में नामवर कौमी पहलवान अखाड़े में नहीं उतरे थे और मुतबादल पहलवान रवायती हरीफ के खिलाफ चित हुए। बुरे तजर्बे के बावजूद एक साल गुजर जाने के बाद भी आज फिर वही मसला सर उठा रहा है। कैमरामैन इकबाल खान और साथी रिपोर्टर राना मोहम्मद उस्मान के साथ स्नाउल्ला खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर।